अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये आज मैं आपके लिए PHOA 1 की पहली असाइनमेंट लेकर आया हूँ स्प्रिंग 2023 की, और इसकी ड्यू डेट 16 मई है, तब तक आपने सबमिट करा दें, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, इज़ इट ट्रू आर रॉन्ग टू से दैट बॉल विल लैंड एट द सेम टाइम इफ़ यू ड्रॉप ए स्ट्रेट डाउन फ्राम द टॉप ऑफ द टावर और इफ़ यू थ्रो इट हॉरिजॉन्टली, इधर येस आर नो एक्सप्लेन विद सॉलिड रीजन। वो कहता है क्या ये ठीक है कि अगर आप बॉल सीधा किसी ऊंची जगह से या किसी टावर से नीचे फेंकें या हॉरिजॉन्टली बॉल फेंकें तो वो एक ही टाइम में वो लैंड होंगी, क्या ये आंसर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो इसके आपने रीज़न बतानी है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है नंबर वन, ठीक है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलिजिबल कर देंगे तो ये ट्रू है कि अगर बॉल हॉरिजॉन्टली है यानी वर्टिकली नीचे आए या हॉरिजॉन्टली हम फेंकें तो वो सेम टाइम पे लैंड होगी, ठीक है। इसकी वजह ये है कि अगर हम ऊपर से भी फेंकेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लगेगी और वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। और अगर हम कॉजिंग द एक्सलेट डाउनवर्ड इन कॉन्स्टेंट रेट, तो वो कॉन्स्टेंट रेट से नीचे आ गई, दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रो हॉरिजॉन्टली डज नॉट अफेक्ट द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट विल फॉल एट द सेम रेट एज द बॉल ड्रॉप स्ट्रेट डाउन। तो अगर हम बॉल हॉरिजॉन्टली फेंकें तो जो उसका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो चेंज कभी भी नहीं होता, तो वो सेम रेट से जो नीचे आके गिरेगी, ठीक है। ये गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और जो उसने पिसा के टावर से दो फेंके थे, तो इसका जो एग्जांपल है वो ये बने, ठीक है। तो ये इसका आंसर आता है। आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ कार एवरेज वेलोसिटी यूजिंग द गिवन डाटा। फिगर एक दी हुई थी, उसमें ये डाटा दिया होता, डेल एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर, डेल वाई इज इक्वल टू 4 मीटर और टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, और उसका फाइंड क्या करना था, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ कार एवरेज वेलोसिटी, ये कार की जो एवरेज वेलोसिटी है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट हमने फाइंड करना था, ठीक है, यानी वी एक्स और वी वाई हमने फाइंड करना था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स इक्वल डेल एक्स ओवर डेल टी 5 और 3, तो ये आंसर आ जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल वाई इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल टी 4 और 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो 5 नंबरों के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, ए बॉडी इज मूविंग 3 किलोमीटर पर आवर वाइल वीरिंग एट द कार टू राइट, इट कीप्स मूविंग एट द सेम स्पीड। वो कहते हैं अगर कोई बॉडी है या कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और हम इसको राइट की तरफ मूव करते हैं, वीर करते हैं या उसको टर्न करते हैं, तो वो उस सेम स्पीड के साथ मूव करते हैं, इज़ द फोर्स इन्वॉल्व इन दिस केस आर नॉट, इधर येस सर, अगर वो कहते हैं अगर हम जब उसको मोड़ेंगे या वीर करेंगे राइट की तरफ तो उस पर कोई फोर्स लगेगी, अगर लगेगी तो कौन सी लगेगी, ठीक है, तो ये आपने बतानी। तो इसका आंसर है येस, हाँ उस पर फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी, व्हेन कार मूव द कार पाथ एक्सपीरियंस फोर्स कार सेंटीपीटरल फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ मोशन। आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है या सर्कल मूव करने की कोशिश करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सेंटर की तरफ जो होती है उस सर्कल के या उस मूविंग पाथ के सेंटर की तरफ खींचती है, मूविंग पाथ अलॉन्ग विद कर्व्ड पाथ। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो पाथ, कोई कर्व्ड पाथ हो या कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो तो वो उसको कर्व्ड पाथ की तरफ मूव करवाती है, ठीक है, और उसको स्ट्रेट लाइन से जब हम किसी चीज़ को कट पाव की तरफ मूव करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और बॉडी स्ट्रेट लाइन में उस वक्त मूव नहीं करती, वो कट पाव में जब मूव कर जाती है, ठीक है। इन दिस केस व्हेन द कार इज वीड टू द राइट इट स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पार्ट टुवर्ड द राइट, हिंस द एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सर्कल। ये बताया गया कि जब उसको राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो सर्कल पाथ उसका बन जाएगा और उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड सर्फिस। ये फोर्स कहाँ से पैदा होती है, टायर के कार के टायर और रोड सरफेस से ये पैदा होती है। द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द कार मोशन ऑफ द कार। जो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है डायरेक्ट, और जो मोशन ऑफ कार डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार परपेंडिकुलर होते हैं। विदाउट दिस फोर्स द कार वुड मूव इन द स्ट्रेट लाइन सो इट वुड एबल टू मेक द टर्न। अगर हम ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो
अगर फर्ज कर लें, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना हो, तो हम अगर किसी की बॉडी को या कार को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह मूव करें तो मूव नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बगैर कोई चीज़ जो टर्न लेती है वो टर्न नहीं ले सकती। आप ये बात समझ, ठीक है? तो ये आप ये बात पूछा, उसने कहा था अगर उस पर फोर्स लगती है तो कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, और एक्सप्लेनेशन हमने ये दे दी कि वो उसको कर्व पार्ट की तरफ मूव करवाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन था, ए मैन इज होल्डिंग ए सूटकेस इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द सूटकेस एक्सेलरेशन। वो कहता है एक बंदा जो है वो सूटकेस लेके खड़ा है या जा रहा है, यानी आप ये समझिए खड़ा है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सूटकेस एक्सेलरेशन। कोई बंदा सूटकेस लेकर खड़ा है तो उसकी जो सूटकेस है उसका जो होता है एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो उसमें ये एक फिगर दी हुई थी, उसमें गिवन डाटा ये था कि फोर्स इज इक्वल टू 68 न्यूटन, यानी बंदा जो वो है हाथ से पकड़ी खड़ा है, जो उस पर फोर्स लगा रहा है वो 68 न्यूटन है, मास जो उसका है सूटकेस का वो 17 kg है, और एम जी इज इक्वल टू 166.6 न्यूटन, और उसका जो वेट है वो क्या है 166.6 न्यूटन है। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है और डायरेक्शन एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन ये है कि एम जी इज इक्वल टू फोर्स, क्यों आपको पता है कि जो एम जी होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स को एम जी के में ज़ाहिर करती है। एम जी इक्वल टू फोर्स ये 66.6 न्यूटन है एंड फोर्स जो उस पर लगा रहा है 168 न्यूटन है, तो हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे। सो दी नेट फोर्स फॉलोज, नेट फोर्स इक्वल टू 168 माइनस 166.6, 1.4 न्यूटन ये नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, सो पुटिंग द वैल्यूज एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की जगह हमने नेट फोर्स की वैल्यू पुट करनी है 1.4 न्यूटन, और उसका मास 17 kg है, एक्सेलरेशन ये है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है, हिंस द सूटकेस एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द अर्थ, यानी ऊपर की तरफ जो लेक वो एक्सेलरेशन हमने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, तो वैल्यू तो ये आ गई 0.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो अपवर्ड होगी, यानी नॉर्थ अर्थ की तरफ ना होगी, या उसकी ऊपर की डायरेक्शन यानी वो अपर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन इसका शो करता है, अगर नेगेटिव साइन होता तो वो अर्थ की तरफ होता, ठीक है। तो आपने मेरा चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी लाजमी तौर पर ऑन कर लेना है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए।